स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का पेज 57 पढ़ने जा रहे हैं, राजू बनी। इसके पहले हम लोग पेज 56 पढ़े थे, उसमें दीज एंड दोज का यूज पढ़े थे। इसमें हर इज यूज फॉर अ गर्ल एंड ही इज यूज फॉर अ बॉय पढ़ेंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, गर्ल के पिक्चर में क्या क्या है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग हिज और हर। ये पिक्चर को देख करके सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है उसको कम्प्लीट करना है। और इस पिक्चर को भी देख लो, इसमें ये बॉय के पास क्या क्या है। जो बॉयज के पास है उसके में हिज लगेगा और जो गर्ल्स के पास है उसमें हर लगेगा। फर्स्ट, इट इज डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ है? बॉयज के पास है, तो इसलिए इसमें हिज लगेगा। सेकंड, इट इज डैश बॉल। बॉल कहाँ है? गर्ल के पास है, इसलिए इसमें हर लगेगा। थर्ड, इट इज डैश पेंसिल। पेंसिल कहाँ है? गर्ल के पास है, इसलिए इसमें हर लगेगा। फोर्थ, इट इज डैश कैट। कैट कहाँ है? लड़का के पास है, इसलिए इसमें हिज लगेगा। फिफ्थ, इट इज डैश बुक। बुक कहाँ है? गर्ल के चित्र में है, तो इसलिए इसमें हर लगेगा। सिक्स्थ, इट इज डैश फ्रॉक। फ्रॉक कहाँ है? गर्ल में, तो इसलिए यहाँ हर लगेगा। इट इज हर फ्रॉक। सेवेंथ, इट इज डैश बैट। बैट कहाँ? बॉय में है, इसलिए यहाँ हिज लगेगा। एट, इट इज डैश ग्लास। इट इज डैश ग्लास, ये बॉय में है, इसलिए यहाँ हिज लगेगा। नाइन्थ, इट इज डैश बैग। गर्ल का बैग है, इट इज हर बैग। या टेंथ, इट इज डैश स्वीट। ये स्वीट्स का बॉयज के पास है, इसलिए इट इज ही स्वीट लगेगा, ही इज स्वीट। तो समझ गया आप लोग, इस तरह से ये पेज 57 बना करके भेजिएगा। थैंक यू।